मॉडलिंग भी करती हूँ, टीवी होस्ट भी हूँ। Alina, how was experience being part of the album, and what about N.K. Naga, who has been singing a song and being a co-star of your album? It was a really a very nice, lovely experience. बहुत ही अच्छे पीपल हैं, मज़ा आ गया। शूट पे मतलब काम नहीं लग रहा था, वी वर जस्ट इन्जॉइंग डूइंग दिस म्यूजिक एल्बम। एंड एन के इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, टैलेंटेड भी है, हम्बल भी है, वेरी डिसेंट पर्सन है। तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। और गाना भी बहुत अच्छा है, ब्यूटिफुल सॉन्ग है जो हमने बहुत प्यार से बनाया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। What about the producer of the album, Rebecca Ma'am, and about the director Shiraz sir, how was that experience being part of? Rebecca Ma'am भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि नागालैंड पीपल से काम करने का, एंड आई रियली इन्जॉय इट। आई थिंक दे आर अमेजिंग पीपल। शिराज सर भी बहुत टैलेंटेड है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे बात अच्छी लगी कि बहुत मतलब फटाफट हो गया सब। इट वॉज सो मेरी लाइफ में शायद पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि शूट करने के बाद दो दिन बाद हमारा गाना रेडी हो गया। सो दैट वॉज वाओ। संगीतकार अबू जी के बारे में क्या कहेंगे? ब्यूटिफुल म्यूजिक, आपने तो सुना ही है, तो आई थिंक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। एंड वन मोर थिंग, आई मीन म्यूजिक एल्बम बहुत क्रेज कर रहा है अभी, नूरा को देखिए इतना ज़्यादा उन्होंने यू नो फेम एक्वायर किया है, तो कितना क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक कैरियर ऑप्शन हो गया है आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक एल्बम्स? आई थिंक नाउ डेज इट्स लाइक द इजीएस्ट वे टू गेट पॉपुलर फास्ट, रियली फास्ट। मतलब अगर आपने आपको लॉन्च करना है तो अच्छे लेवल का म्यूजिक वीडियो पकड़ के बहुत अपना करियर फटाफट बूस्ट कर सकते हो। बट अदरवाइज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक्ट्रेस हूँ, एंड माय एम इज़ मूवीज़। मैं मूवीज़ में काम करती हूँ, तो मेरे लिए ये भी अच्छा ऑप्शन है। बट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए मेरा जो काम है मूवीज़, सीरियल्स, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अदरवाइज या आई लाइक नोरा, शी इज़ अ वंडरफुल डांसर, एंड उसका जो लास्ट सॉन्ग है आई रियली लव इट। थैंक यू जी।